देखिए, ये आपका जो है फिलहाल वेन ब्रिज ऑसिलेटर का सर्किट है, हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये एकमात्र ऐसा जो है ऑसिलेटर सर्किट है जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों प्रकार का फीडबैक यूज़ किया जाता है। ये भी आरसी टाइप का ऑसिलेटर है, हम लोगों ने एलसी टाइप ऑसिलेटर कम्प्लीट कर लिया था। आरसी टाइप ऑसिलेटर देख रहे हैं, आरसी टाइप में भी हमने फेज शिफ्ट आपको पढ़ा दिया था। ये जो हमारा ऑसिलेटर है, ये आपका है कौन सा, वेन ब्रिज ऑसिलेटर है। वेन ब्रिज ऑसिलेटर में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरीके का फीडबैक होता है, ठीक है। यहाँ पे दो ट्रांजिस्टर्स हैं, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 360 का जो फेज शिफ्ट आपका दिया जा रहा है वो T1 एंड T2 द्वारा दिया जा रहा है। किसके द्वारा? T1 एंड T2 द्वारा। यहाँ एक ब्रिज फॉर्म किया गया है। ब्रिज कंपोनेंट कौन कौन से हैं अगर आपसे बोला जाए, ब्रिज कंपोनेंट, ब्रिज को बनाने में कौन कौन से कंपोनेंट लगे हैं, तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं R1 C1 R2 C2 और आपका LP है और R3 है, ठीक है ना। ये कंपोनेंट हैं आपके ब्रिज के, ठीक है। इसमें आपका जो होता है पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरीके का फीडबैक होता है। कैसे ये काम करता है इस पर भी हम लोग आएंगे। उससे पहले हम ये जान लें कि यहाँ फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या होता है। ये होता है 1/2π√R1C1R2C2। अगर यहाँ पे R1 = R2 = R हो जाए और C1 = C2 = C हो जाए तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, F = 1/2π RC मिल जाएगा। ये फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन मिल जाएगा अगर ऐसा हो तो। इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है वेन ब्रिज ऑसिलेटर के लिए, इसके लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है वो ये कि यहाँ पे आपका LP जो है एक लैंप सर्किट, ये लैंप है, ठीक है ना, ठीक है। और बाकी ये कंपोनेंट से आप वाकिफ हैं, कपलिंग कैपेसिटर है, ये वोल्टेज डिवाइडर रेजिस्टेंस है, ठीक है। और आपका जो है फाइनली ये आउटपुट कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ से हम आउटपुट ले रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये आप कह सकते हैं फीडबैक है। ये क्या है? फीडबैक है। आपको पता है पॉजिटिव फीडबैक होना चाहिए। कैसा फीडबैक होना चाहिए? तो 180 का ये देगा, 180 का ये देगा, फाइनली यहाँ से आएगा और इसको जो पॉजिटिव फीडबैक देगा वो कहाँ से मिलेगा, R1 C1 और R2 C2, ये पोटेंशियल डिवाइडर की तरह काम करेगा। यहाँ से इसके अक्रॉस का जो वोल्टेज होगा वो इसके लिए पॉजिटिव फीडबैक का काम करेगा। और निगेटिव फीडबैक कहाँ मिलेगा, ये जो पोटेंशियल डिवाइडर है आपका, यहाँ से निगेटिव फीडबैक इसको मिलता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, वेन ब्रिज ऑसिलेटर यूजेज बोथ टाइप ऑफ फीडबैक। मतलब इसमें आप ये ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है इसमें पॉजिटिव फीडबैक भी होता है और निगेटिव फीडबैक भी होता है। आप कहेंगे सर ये पॉजिटिव फीडबैक और निगेटिव फीडबैक दोनों का क्या मतलब? आपको पता है अकॉर्डिंग टू द बारखाउजन क्राइटेरिया दो कंडीशन, दो चीज़ें होनी चाहिए। एक A β = क्या होना चाहिए, 1, और दूसरा हमारे पास क्या होना चाहिए, पॉजिटिव FB होना चाहिए, पॉजिटिव फीडबैक होना चाहिए। ये दो कंडीशन होना चाहिए। तो निगेटिव फीडबैक की क्या नीड, इसमें निगेटिव फीडबैक क्या कर रहा है? आपको पता है निगेटिव फीडबैक कहीं भी होता है तो वो स्टेबिलिटी के लिए बड़ा अच्छा काम करता है। तो मतलब क्या है कि जो वेन ब्रिज ऑसिलेटर है ये जो भी फ्रीक्वेंसी डेवलप करेगा वो बहुत ही हाईली स्टेबल होगा। ये आपका 10 हर्ट्ज से ले करके 1 मेगा हर्ट्ज के बीच के फ्रीक्वेंसी के लिए एक आइडियल ऑसिलेटर माना जाता है। आइडियल ऑसिलेटर एक स्टैंडर्ड ऑसिलेटर माना जाता है। ये एक प्रकार का ऑडियो ऑसिलेटर की तरीके से इसका हम यूज़ करते हैं। कैसे? ऑडियो ऑसिलेटर की तरीके से। आप इसमें पॉइंट क्या याद रखेंगे कि 10 हर्ट्ज से लेकर के 1 मेगा हर्ट्ज के बीच का जो इसका फीडबैक होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है ना, एकदम स्टैंडर्ड हम इसको हम लोग मान सकते हैं, ठीक। उसके बाद आपका जो है फिलहाल इसमें जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन होता है वो ब्रिज कंपोनेंट पे डिपेंड करता है। जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन होगा कि उसकी फ्रीक्वेंसी कम होनी है, अधिक होनी है, क्या होनी है, आपको पता है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो सीरीज और पैरेलल कंपोनेंट्स हैं कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी इसी पे डिपेंड कर रहा है। हम डायरेक्ट फार्मूले लिख रहे हैं, फार्मूले को हम लोग ड्राइव नहीं कर रहे हैं। तो आपको बहुत अच्छा आइडिया होना चाहिए कि R1 C1 और R2 C2 जो आपका है यही कहीं ना कहीं डिसाइड करेगा कि जो हमारे पास यहाँ आउटपुट पे जो फ्रीक्वेंसी आ रही है, आउटपुट जो हमें मिल रहा है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो किस पे डिपेंड करेगा, R1 C1 R2 C2 पर। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन यहाँ पे निर्भर कर रहा है। बात क्लियर है आपको? तो ये ऑल अबाउट वेन ब्रिज ऑसिलेटर है। हम एक बार इसको समराइज कर दें, वेन ब्रिज ऑसिलेटर एक RC ऑसिलेटर है। कैसा ऑसिलेटर है? एक RC ऑसिलेटर है, ये ध्यान रखिएगा, RC ऑसिलेटर है, ठीक है। 10 हर्ट्ज से लेकर के 1 मेगा हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के लिए ये एक स्टैंडर्ड ऑसिलेटर है। इसका ऑडियो ऑसिलेटर की तरीके से प्रयोग किया जाता है। इसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों प्रकार का फीडबैक होता है।
ये जो ब्रिज सर्किट है ये आपका पॉजिटिव फीडबैक का काम करता है, और ये जो कंपोनेंट T2 का है यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर रजिस्टर, ये निगेटिव फीडबैक का काम करता है। इसके लिए जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन जो डेवलप हो रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कंपोनेंट्स क्या होते हैं, R1 C1 और R2 C2, जो आपको यहाँ पे फॉर्मूले में दिख रहा है। बात क्लियर है ना? तो इससे रिलेटेड ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान देंगे। और आपका जो है टेम्परेचर की वजह से जो इसमें चेंज आता है कभी भी, उसको भी कंट्रोल कर लेता है आपका यहाँ पे जो आपको लैंप दिख रहा है, ठीक है ना। LP कंपोनेंट्स जो आपका आता है उसकी वजह से, टेम्परेचर्स की वजह से होने वाले वेरिएशंस को ये क्या करता है, काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं इसमें जो आपका R3 और LP जो होता है ये स्टेबलाइज द एम्पलीट्यूड ऑफ द आउटपुट, ये इसके लिए यूज़ किया जाता है। मतलब आप कह सकते हैं, अब यहाँ पे लिख दें, R3 कंपोनेंट जो होता है और LP जो होता है ये टू स्टेबलाइज द आउटपुट ऑफ ऑसिलेटर, ठीक है। इसको स्टेबलाइज करते हैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल कर पाए, ठीक है। टेम्परेचर इफेक्ट वगैरह को भी कम करता है, बट फिर भी ये सारी डिवाइस हैं, ये सारे जो RC ऑसिलेटर हैं, LC ऑसिलेटर हैं, इनके साथ कुछ ना कुछ तो ऐसा प्रॉब्लम रहा है, कहीं ना कहीं कंपोनेंट्स का बल्की होना, कहीं ना कहीं आपका जो है फिलहाल टेम्परेचर की वजह से चेंज आना, ये सारी प्रॉब्लम LC और RC ऑसिलेटर में था, जिसकी वजह से हमारा एक नए प्रकार का ऑसिलेटर डेवलप किया गया, जिसको हमने क्या नाम दिया है, क्रिस्टल ऑसिलेटर, ठीक है ना। तो हम लोग जो है आगे जो पढ़ेंगे वो क्रिस्टल ऑसिलेटर के बारे में पढ़ेंगे। इसको आप जो है इसके एडवांटेज में आप जान लीजिएगा। इसकी जो एडवांटेजेस है मैं लिख दे रहा हूँ नीचे। एडवांटेजेस में होता है कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी और इजीली सर्किट आपका वर्क करता है। ओवरऑल गेन जो होता है बहुत हाई होता है क्योंकि 2 ट्रांजिस्टर यूज होते हैं, ठीक है। और जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन होता है बहुत ईजिली उसको चेंज किया जा सकता है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहली बात आपका स्टेबल फ्रीक्वेंसी हाई गेन क्यों है, 2 ट्रांजिस्टर की वजह से, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा हाई गेन क्यों है इसका, 2 ट्रांजिस्टर की वजह से। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कैन बी इजली चेंज विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर, इसके ये डिसएडवांटेज, जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इसके हैं दो, कि इसकी फ्रीक्वेंसी को आप जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते। क्या है, फ्रीक्वेंसी को आपका जो है इट कैन नॉट जनरेट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और दूसरा डिसएडवांटेज है 2 ट्रांजिस्टर का यूज होना, डिसएडवांटेज इसका। कैन नॉट जनरेट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है, कैन नॉट जनरेट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। और क्या प्रॉब्लम है इसके साथ, 2 ट्रांजिस्टर्स आर यूज, दो ट्रांजिस्टर यूज हो रहा है, इसकी वजह से क्या हो जाता है, बल्की हो जाता है 2 ट्रांजिस्टर यूज होने की वजह से। तो ये इसके जो है कुछ एडवांटेजेज और डिसएडवांटेज हैं, जो आपको प्रॉपर सारे नोट्स में मिल जाएंगे। हम इसके बाद आते हैं क्रिस्टल ऑसिलेटर पे। क्या ये आपने बना लिया है, ठीक है, क्रिस्टल ऑसिलेटर शुरू किया जाए। सबसे पहले तो आप ये जान लो कि क्रिस्टल क्या होता है। आपने रॉकले साल्ट, टर्मेलिन, सबसे पहले हम क्रिस्टल के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे, फिर हम आप पे आएंगे, ठीक है। इसी को हम इन्वर्स ट्रांसड्यूसर भी बोलते हैं, क्रिस्टल को। जब क्रिस्टल ट्रांसड्यूसर जो आपके
क्रिस्टल से बने होते हैं उनको हम लोग इनवर्स ट्रांसड्यूसर के टर्म्स में भी कंसीडर करते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इनवर्स ट्रांसड्यूसर वो भी हम लोग बात करेंगे। ट्रांसड्यूसर की जब बात होती है तो आप बेसिकली जानते हैं ट्रांसड्यूसर क्या करता है, किसी एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट करता है ना, वन फॉर्म ऑफ द एनर्जी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म, ठीक है, ये आपका बेसिक ट्रांसड्यूसर होता है। और इलेक्ट्रिकल अगर हम लोग ट्रांसड्यूसर की बात करते हैं तो नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, तो ये उसकी खास बात होती है। बट यहाँ पर जब हम क्रिस्टल की बात करेंगे तो देखिएगा, अगर हम बात करेंगे क्रिस्टल की, नाम सुना है क्रिस्टल का कोई, टर्मेलिन, क्वार्टज क्रिस्टल, ठीक है ना, ये सब आपने नाम सुन रखा होगा, ठीक है ना। पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात अगर हम लोग करेंगे, पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की, ठीक है, तो पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पे भी हम लोग आएंगे, क्या होता है पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट्स, ठीक है। तो हम लोग क्रिस्टल में अगर बात करें तो पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल मटेरियल क्या होता है, सबसे पहले हम लोग बात करें पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल, सबसे पहले मैं आपको इफेक्ट बता देता हूँ क्रिस्टल के एग्जांपल में, नाम आप जान लीजिए, रॉकले सॉल्ट होता है, टर्मेलिन होता है, क्वार्ट्ज होता है, ये सब क्रिस्टल के प्रकार हैं। सबसे ज़्यादा कौन सा क्रिस्टल यूज़ होता है, क्यों यूज़ होता है, क्या क्रॉस सेक्शन एरिया का यहाँ एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है, कैसे कटिंग होती है, कैसे उसका कटिंग शेप डिफाइन करता है कि क्या फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन होगा यहाँ ऑसिलेटर में, सारी बात करेंगे। बट इससे पहले हम आपको बताते हैं पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नाम सुना है, क्या होता है, किसी को आइडिया है पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट? ये एक रिवर्स फिनोमिना है, ठीक है ना। मान लीजिए कोई भी क्रिस्टल हमारे पास है, ये मान लीजिए दो मेटेलिक प्लेट है, क्या है, मेटेलिक प्लेट, इसके बीच में आपने क्या रख दिया, कोई क्रिस्टल मटेरियल रख दिया, ये मान लीजिए टर्मेलिन है या क्वार्ट्ज है, ये क्या है, ये मान लीजिए क्वार्ट्ज है हमारा, ठीक है, इसकी ये आपका क्रिस्टल मटेरियल है। अब देखिए होता क्या है, मेटेलिक प्लेट है, हम अभी आपको हम पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बता रहे हैं, पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट समझ जाएंगे तो आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन और कैसे ये ऑसिलेट करता है तो ये सारी बातें समझ में आने लेंगे। तो क्रिस्टल पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, इस पॉइंट्स को अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, दो मेटेलिक प्लेट्स के बीच में यदि हम एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल को रख करके इसको वाइब्रेट कराएं, मैकेनिकल वाइब्रेशन है किसी भी तरीके से, इसको अगर हम वाइब्रेट कराते हैं तो इसके जो अपोजिट फेसेस हैं, ये जो अपोजिट फेसेस आप देख रहे हैं मेटेलिक फेसेस, इसके बीच में इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो जाती है, क्या यहाँ इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो जाती है। और इसी का रिवर्स फिनोमिना भी होता है, रिवर्स फिनोमिना क्या, रिवर्स फिनोमिना कुछ ऐसा कि अगर आप मेटेलिक प्लेट के बीच में क्रिस्टल रख के, एक क्रिस्टल रख के आप यहाँ पे सप्लाई दे दो, क्या दे दो, तो इसमें वाइब्रेशन आने लगता है, क्या, मैकेनिकल वाइब्रेशन। पहले हमने क्या किया, मैकेनिकल वाइब्रेशन दिया एज अ इनपुट, तो इलेक्ट्रिसिटी आ गई, अब हम यहाँ वाइब्रेशन देंगे, यहाँ सप्लाई देंगे तो वाइब्रेशन शुरू हो जाएगा, तो ये आपका, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं इनवर्स ट्रांसड्यूसर। क्या बोलते हैं, इनवर्स ट्रांसड्यूसर, क्योंकि इसमें जो फिनोमिना है वो जैसा के तैसा, मतलब एक बार इलेक्ट्रिकल से वाइब्रेशन, वाइब्रेशन से इलेक्ट्रिकल, दोनों आपको देखने को मिल रहा है। तो इतनी बात क्लियर है, पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट्स वगैरह सब आपके नोट्स में प्रॉपर मेंशन है, तो अगर आप इसको लिखना चाहेंगे तो आप लिखेंगे व्हेन इलेक्ट्रिसिटी अप्लाइंग बिटवीन प्लेट्स, है ना, देन क्रिस्टल स्टार्ट टू वाइब्रेट विद इन इट, मतलब जो क्रिस्टल मटेरियल है स्टार्ट टू वाइब्रेट विद इन इट, अगर आप इलेक्ट्रिक सप्लाई दे रहे हैं, और अगर आप दो प्लेट्स के बीच में इसको रख के आप वाइब्रेट करा रहे हैं तो आपका इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो जा रहा है, ठीक। एग्जाम्पल में अगर हम लोग देखें क्रिस्टल का, तो कौन कौन सा एग्जाम्पल है, क्वार्ट क्रिस्टल है, और क्या है, रॉकले साल्ट है, और क्या है, टर्मेलिन है, ठीक है। ये सब जो मटेरियल हैं आपके, ये आपके पीजोइलेक्ट्रिक जो है फिलहाल इफेक्ट्स को दिखाते हैं। ये हो गया आपका। अब इसके साथ इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है,
जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमारे लिए। देखिए, एक क्वार्ट्ज जो क्रिस्टल होता है, ये सबसे ज़्यादा जनरली क्रिस्टल ऑसिलेशन में यूज होता है। तो आप सबसे पहले याद रखेंगे क्वार्ट्ज क्रिस्टल कौन सा है? आर मोस्टली यूज्ड, ये सबसे ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं। किस लिए यूज़ करते हैं? क्रिस्टल ऑसिलेशन के लिए, ठीक है ना, क्रिस्टल ऑसिलेशन के लिए, क्योंकि इसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ, बिकॉज दे हैव ग्रेट मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ग्रेट मैकेनिकल स्ट्रेंथ, दे हैव ग्रेट मैकेनिकल स्ट्रेंथ, और इसका मैन्युफैक्चरिंग भी बहुत इजी होता है। आप ये भी कह सकते हैं इसका मैन्युफैक्चर भी काफ़ी ज़्यादा इजी होता है, ठीक है, किसका? क्वार्ट्ज का। और क्या बात है यहाँ पे, नेचुरल शेप ऑफ द क्वार्ट्ज क्रिस्टल इज हेक्सागोनल होता है। ये कभी कभी ये एग्ज़ाम में बहुत अच्छा पूछा जाता है, पूछ लेता है कि नेचुरल शेप बताइए, तो आप क्या जानेंगे? नेचुरल शेप ऑफ क्वार्ट्ज क्रिस्टल इज हेक्सागोनल। हेक्सागोनल कैसा होता है, कितने लोगों को आइडिया है? सबको आइडिया है हेक्सागोनल के बारे में? इसको थोड़ा और बड़ा बनाया जाए। ठीक है ना, ये आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है अंदर, आपका ये 3D इमेज पूरा इसका हेक्सागोनल आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। मैंने ये आपका सिर्फ इसलिए हमने बनाया ताकि हम इसके बारे में थोड़ी सी और चर्चा कर सकें कि क्या क्या इसकी प्रॉपर्टी होती है। इसको इतना आप लोग बना लीजिए, नोट कर लीजिए। इसमें जनरली जब भी हम लोग हेक्सागोनल की बात करेंगे तो तीन एक्सिस रिप्रेजेंट होती हैं। कौन कौन सी? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। कितनी एक्सिसेस होती हैं? तीन, ठीक है ना, जेड एक्सिस, वाई एक्सिस और ये, इसके बारे में थोड़ा सा कुछ पॉइंट आप लोग लिख लीजिए। जेड एक्सिस का नाम ये सब पूछा जाता है। जेड एक्सिस को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऑप्टिकल एक्सिस। क्या बोलते हैं? सिर्फ इसका आप नाम याद रखिए। वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस को बोलते हैं आपका वाई एक्सिस को मैकेनिकल एक्सिस। हाँ, मैकेनिकल एक्सिस। और एक्स एक्सिस को क्या बोलेंगे, अंदाज़ा लगाइए? इलेक्ट्रिकल, हाँ, इलेक्ट्रिकल एक्सिस, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल एक्सिस। ये आप थोड़ा सा पॉइंट याद रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब होता क्या है कि जो क्रिस्टल होता है उसको कट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। हम एक्स एक्सिस से कट करते हैं, परपेंडिकुलर हॉरिजेंटली कट करते हैं, तो कटिंग के बड़े तरीके होते हैं। और इसका कटिंग का जो मेथड होता है, मैं उस पर ज़्यादा डिटेल नहीं जा रहा हूँ, कटिंग का जो मेथड होता है, जो हम लोग क्रिस्टल को जब हम कट करते हैं तो उसके कटिंग का जो मेथड होता है वो डिसाइड करता है, और जो थिकनेस होती है वो डिसाइड करता है कि फ्रीक्वेंसी क्या होगी। मतलब आप कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन जो होता है डिपेंड्स ऑन
फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इज डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ कट एंड थिकनेस ऑफ क्रिस्टल मटेरियल जो भी हमारे पास होगा उसको हमने कट करने का बताया ना, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली कट करने का तरीका होता है। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन होता है K अपॉन T, वेयर T इज द थिकनेस और K क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, K आपका क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है। डिपेंड्स अपॉन द कट। अब ये जो थिकनेस है आप देख पा रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/T है ना। तो जब आप थिकनेस मतलब मोटाई बढ़ाएंगे तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी लो होगा, और जब आप मोटाई घटाएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। तो यहाँ से एक बात समझ में आ रही है कि जितना पतला क्रिस्टल हम यूज़ करेंगे उतनी हाई फ्रीक्वेंसी होगी ऑसिलेशन की। बट देयर इज़ अ वन प्रॉब्लम, आप क्रिस्टल को ज़्यादा पतला नहीं रख सकते क्योंकि मैकेनिकल वाइब्रेशन होगा तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। बात समझ पा रहे हैं ना, मैकेनिकल वाइब्रेशन की वजह से टूट जाएगा। अब अगर वर्किंग ऑफ क्रिस्टल कभी भी पूछा जाए, आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे वर्किंग में। हमने जो आपको पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताया, ठीक है ना, आप उसी को बताएंगे, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ही बता देंगे कि किसी भी, मैं वर्किंग इसका लिख के स्पेशली आपको डिफाइन करा देता हूँ कि क्रिस्टल कैसे जो है वाइब्रेट करना शुरू करता है और कैसे हम इसको कहाँ प्लेस करते हैं। तो हम वर्किंग ऑफ क्रिस्टल की थोड़ा सा बात कर लें, फिर आते हैं इक्विवेलेंट सर्किट पे। वर्किंग ऑफ क्रिस्टल की अगर हम बात कर लें, दिख रहा है ना ये आपको, वर्किंग ऑफ क्रिस्टल की अगर बात करें तो देखिएगा, हमारे पास हमने आपको बताया है हमारे पास दो मेटेलिक प्लेट होगा, इसके बीच में हमने क्या किया, ये हमने सप्लाई से जैसे ही इसको हम कनेक्ट करेंगे तो सप्लाई से कनेक्ट करने के बाद क्या हो जाएगा, स्टार्ट टू ऑसिलेट, मतलब जो आपका क्रिस्टल होगा बीच का वो क्या करेगा। वर्किंग यही है कि जब हम क्रिस्टल के दोनों प्लेटों को, क्रिस्टल जिसके बीच में रखा गया जिस प्लेट के, उसको हम इसी सप्लाई से जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, क्रिस्टल स्टार्ट टू वाइब्रेट विद इन इट, मतलब उसके बीच में ये वाइब्रेट करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और यदि सप्लाई फ्रीक्वेंसी का जो है, जो सप्लाई की फ्रीक्वेंसी है वो अगर कभी भी क्रिस्टल के ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी, जो अप्लाइड वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी है वो क्रिस्टल के ऑसिलेशन या नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाता है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, रेजोनेंस टेक प्लेस। ठीक है ना, रेजोनेंस टेक प्लेस और नेचुरल फ्रीक्वेंसी के जैसे बराबर आएगा और आपका जो है क्रिस्टल वाइब्रेशन बहुत अधिक हो जाएगा, मैक्सिमम पे पहुंच जाएगा। मतलब क्या है कि अगर सप्लाई फ्रीक्वेंसी जो है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्रिस्टल के बराबर हो जाए, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रिस्टल के बराबर हो जाए तो वाइब्रेशन क्या होगा, अपने पीक पर होगा, वाइब्रेशन विल बी मैक्सिमम। इसको हम लोग कौन सी कंडीशन बोलते हैं, रेजोनेंस कंडीशन। ये रेजोनेंस कंडीशन है बच्चों, कौन सा कंडीशन है, रेजोनेंस कंडीशन। अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इसकी सबसे अच्छी बात होती है इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर बहुत कम होता है इस पर, जो इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर होगा किस पे, क्रिस्टल पे होता है, वो एलिमिनेटेड हो जाता है, मतलब एलिमिनेटिंग बाय द, आप कह सकते हैं माउंटिंग द क्रिस्टल, मतलब हम लोग क्या करते हैं वो एलिमिनेट हो जाता है जो क्रिस्टल आपका होता है उसके द्वारा, जो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जो टेम्परेचर आपका राइज होता है, ठीक है ना, वो माउंटिंग की वजह से, क्रिस्टल माउंटिंग की वजह से एलिमिनेट हो जाता है, कम हो जाता है,
चाहे वो आप टेलीविज़न में यूज़ कर रहे हैं या रेडियो में यूज़ कर रहे हैं, कहीं पे भी, तो क्रिस्टल टेम्परेचर स्टेबिलिटी के मामले में सबसे बेस्ट होता है। अब बात ये आती है कि हम लोगों ने क्रिस्टल यहाँ पे सेलेक्ट क्यों किया, व्हाई वी आर चूजिंग द क्रिस्टल ऑसिलेटर एट द प्लेस ऑफ आरसी और एलसी ऑसिलेटर। तो ध्यान रखिएगा, आरसी और एलसी ऑसिलेटर की आपके डिसएडवांटेज कुछ होते हैं। क्या डिसएडवांटेज होता है? फ्रीक्वेंसी इनस्टेबिलिटी होती है। क्या होती है? फ्रीक्वेंसी इनस्टेबिलिटी होती है और पुअर वेव फॉर्म होता है। किसका? आरसी और एलसी ऑसिलेटर का। और क्या होता है? बहुत लो फ्रीक्वेंसी जनरेशन आप नहीं कर सकते, स्पेशली एलसी ऑसिलेटर से। आप जानते हैं कि बहुत लो फ्रीक्वेंसी जनरेशन नहीं कर सकते हैं एलसी ऑसिलेटर से। और आरसी ऑसिलेटर वगैरह, ये आप सबको पता है कि सब टेम्परेचर डिपेंडिंग कंपोनेंट्स इसमें आर बी सी बी एल बी। तो टेम्परेचर जैसे ही आता है, आर एल सी की थोड़ी बहुत वैल्यू चेंज होगी और टेम्परेचर पड़ने से जो ट्रांजिस्टर के पैरामीटर होते हैं, सब ट्रांजिस्टर के साथ ऑसिलेटर सर्किट बना रहे हैं, ट्रांजिस्टर के जो पैरामीटर होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्यू पॉइंट शिफ्ट हो जाता है। और क्यू पॉइंट शिफ्ट जब होगा तो स्टेबिलिटी आपको पता है कि कितनी अच्छी होगी। गेन वगैरह आपका जो वेवफॉर्म होगा वो पुअर हो जाएगा, गेन भी ख़राब होगा, स्टेबिलिटी अच्छी नहीं रह जाएगी ऑसिलेटर की, समझ रहे हैं? तो टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल होता है, टेम्परेचर अच्छा खासा उसको इफ़ेक्ट करता है। तो इन सारी प्रॉब्लम से निपटने के लिए हम लोग क्रिस्टल की ओर बढ़े। क्रिस्टल के बारे में हमने क्या क्या समझा? क्रिस्टल मटेरियल जो होता है, रॉकले सॉल्ट, टर्मेलिन और क्वार्ट्ज। सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला क्रिस्टल क्वार्ट्ज है, ऑसिलेशन के लिए स्पेशली, ठीक है। क्यों हम लोग इसको यूज़ करते हैं? मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छी होती है इसकी, ठीक है ना, क्वार्ट्ज की। और हम लोग क्वार्ट्ज, इसमें हमने पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ लिया कि सप्लाई दिया तो आपका क्या हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है। और अगर हम लोग बात वाइब्रेशन की करेंगे तो वो सप्लाई आपकी डेवलप हो जाएगी, जनरेट हो जाएगी। ये हमने क्रिस्टल के बारे में बातें कर ली। अब क्रिस्टल का इक्विवेलेंट सर्किट आप लोग लिखिए, बनाइएगा, ये पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा। इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ क्रिस्टल ऑसिलेटर या क्रिस्टल इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ये सीएम आरएलसी, यहां पे सीएम जो होता है ये माउंटिंग कैपेसिटेंस होता है, सीएम माउंटिंग, ठीक है। आर एल सी जो होता है इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट वाइब्रेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टल। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसका जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन आता है वो क्या आएगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन अगर इसके लिए हम बात करें तो एफ इज इक्वल टू आएगा, ये फ्रीक्वेंसी इसका अगर हमें निकालना हो तो 1/2 pi अंडर रूट एल सी टी, ठीक है ना। एल सी टी, सी टी क्या होगा यहाँ पे? अगर सी टी की बात करें तो यहाँ पे सी टी आपका इसका और इसका सीरीज कॉम्बिनेशन, सी एम सी अपान सी एम प्लस सी आएंगे, इस पर हम लोग और बात करेंगे। तो क्रिस्टल का इक्विवेलेंट सर्किट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। आर एल सी आपसे सीधे ये पूछेगा कि सीरीज में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, तो आर एल सी पैरेलल में कौन सा होता है? माउंटिंग कैपेसिटेंस, बस ये आपको ध्यान में रखना है।
अभी आपका सीरीज क्रिस्टल ऑसिलेटर और पैरेलल क्रिस्टल ऑसिलेटर दो तरीके का होता है। देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ क्रिस्टल हम लोग देख लेते हैं। अभी हमने एक फार्मूला पीछे लिखा था, उसको डिटेल में समझ लेते हैं। तीन कंडीशन आपको देखने को मिलेगा। एक होता है लो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल, लो फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट, मतलब एट लो फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। लो फ्रीक्वेंसी के केस में आपको पता है एक्स सी एम और एक्स सी की वैल्यू एक्सट्रीमली हाई हो जाता है। क्या होता है एक्स, मतलब आपको पता है कि एक्सी जो आपका होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है, तो इसकी वैल्यू एक्सट्रीमली हाई हो जाता है। आप कह सकते हैं एक्सट्रीमली हाई हो जाता है। और इस कंडीशन में क्या होता है, जब ये हाई होता है इस कंडीशन में जो आपका सर्किट होगा उस सर्किट का इम्पिडेंस क्या होगा नेटवर्क का, बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। जब एक्सी और एक्स सी एम और एक्सी, मतलब इसका इम्पिडेंस रिएक्टेंस और इसका रिएक्टेंस जब हाई हो जा रहा है तो सर्किट का जो है फिलहाल क्या हो जाएगा, इम्पिडेंस हाई हो जाएगा। और इम्पिडेंस हाई होने का मतलब इस टाइम पे जो क्रिस्टल का नेचर होगा वो कैसा नेचर होगा, क्रिस्टल का नेचर कैसा होगा भाई, कैपेसिटिव। मैंने आपको पीछे पढ़ाया था आरएलसी सर्किट, जब बहुत पहले आप देखिएगा तो वहाँ पे हमने आरएलसी सर्किट में बताया था कि लो फ्रीक्वेंसी पे सर्किट का नेचर कैसा हो जाता है, कैपेसिटिव हो जाता है। क्यों, क्योंकि एक्सी इज मच ग्रेटर देन हो जाता है एक्सएल। और एक फ्रीक्वेंसी ऐसी आती है जिसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। एक्सी बिहेव करता है एक्सएल की तरह, इसके बराबर हो जाता है। जो आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है, जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है वो आपका, ठीक है, देखिए रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जब आपका एक्स इज इक्वल टू एक्सएल होगा उस कंडीशन में, ये वाली वैल्यू आपका जो दोनों बराबर हो जाएगा, तो इस समय सर्किट का जो इम्पिडेंस होगा वो बहुत लो होता है, इम्पिडेंस वेरी लो हो जाएगा। इम्पिडेंस क्या हो जाएगा, वेरी लो हो जाएगा। वेरी लो बोले तो कैसा, वेरी लो ये बिल्कुल हो जाएगा आर, क्या हो जाएगा आर। और जैसे ही आर होगा तो ये सीरीज सर्किट की तरह बिहेव करेगा, और उस समय इसका जो सीरीज रेजोनेंस आएगा वो आएगा एफ एस इज इक्वल टू 1/2π, ठीक है, 1/2π अंडर रूड LC। ये इसकी फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। और नेक्स्ट कंडीशन आपका जो होता है, अगले कंडीशन में यदि फ्रीक्वेंसी को आप रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे तो इम्पिडेंस का मान फिर बढ़ जाएगा, और जो इम्पिडेंस RLC का इम्पिडेंस होगा वो XM के बराबर हो जाएगा, इसके इम्पिडेंस के बराबर हो जाएगा, ठीक है। उस समय ये पैरलर की तरह बिहेव करेगा, और पैरलर की तरह बिहेव करेगा तो यहाँ पे FP इज इक्वल टू जो आएगा 1/2π अंडर रूड LCT, जो हमने पीछे फ्रीक्वेंसी पैरलर इसकी फ्रीक्वेंसी हमने जो आपको बताई है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा CT की वैल्यू आपको पता है क्या, C × CM C + CM, ये आपका हो जाएगा CT की वैल्यू, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब जो आपका, जब आपका फ्रीक्वेंसी कभी भी पैरलर फ्रीक्वेंसी से ग्रेटर होगा तो XCM जो होता है, ठीक है, वो बहुत तेज़ी के साथ XCM ड्रॉप होता है। कहने का सेंस, जब आप कभी भी फ्रीक्वेंसी को, ध्यान दीजिएगा, जब भी कभी आप नेचुरल जो फ्रीक्वेंसी है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी या कुछ भी मान लीजिए, इसमें जो इसको आप जब कभी भी ज़्यादा करेंगे किससे, FP से, ये ज़्यादा हो जाएगा किससे, FP से, जो अभी मैंने ये वाला निकाल के रखा है, तो इस कंडीशन में जो आपका होता है XCM की वैल्यू बहुत हाई होगा, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा करेंगे तो XCM की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाई होगा कि लो होगा, जब फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाएंगे नॉर्मली तो XCM की वैल्यू क्या होगी, ड्रॉप्स इवेंचुअली, मतलब बहुत ज़्यादा कम होगा, बहुत तेज़ी के साथ डाउन होगा। कहने का सेंस आपको ये सीधे पता होना चाहिए, दिमाग में रखो, कभी कभी बोलते वक्त कुछ भी दिमाग से निकल जाता है, आप लोग थोड़ा ध्यान दिया करिए, इससे मुँह से कुछ निकलता है दिमाग में कुछ और होता है। देखिए फ्रीक्वेंसी आप कभी भी बढ़ाएंगे तो XC की वैल्यू ऑलवेज डाउन होगा, चाहे वो XCM हो या नॉर्मल XC हो। तो जब आप ये फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, पैरलर फ्रीक्वेंसी ये जो आप देख रहे हैं, इससे जब ज़्यादा इसको करेंगे तो XCM की वैल्यू क्या होगी, ड्रॉप होगा। ड्रॉप मतलब घटेगा, मतलब डाउन आप कह सकते हैं इसको, घटेगा। और ये इतना तेज़ी के साथ घटेगा, इतना घट जाएगा कि आपका एक क्रिस्टल जो होता है वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो आपको ये तीन फ्रीक्वेंसी याद रखना है, बहुत लो फ्रीक्वेंसी पे जो आपका ये इक्विवेलेंट सर्किट आप देख रहे हैं, बहुत लो फ्रीक्वेंसी पर
इसमें जो होगा XCM और XC बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हाई होता है, सर्किट का नेचर कैपेसिटिव होता है, इम्पिडेंस भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी XC इज इक्वल टू XL होगा, इम्पिडेंस वेरी लो होगा, R के बराबर मतलब प्योर रजिस्टिव होगा। इस समय जो आपका फ्रीक्वेंसी आया सीरीज फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे सीरीज नेटवर्क की तरह बिहेव करेगा, सीरीज फ्रीक्वेंसी 1/2π अंडर रूट LC हर्ट्ज हो जाएगा। और जब फ्रीक्वेंसी का मान थोड़ा सा ज़्यादा हुआ, यहाँ पे हमने लो बताया था, यहाँ रेजोनेंस, यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा हुआ तो पैरेलल रेजोनेंस आएगा, आपको देखने को मिलेगा। और सर्किट का नेचर कैसा हो जाएगा, इंडक्टिव हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, यहाँ पे इंडक्टिव हो जाएगा सर्किट का नेचर। और जब भी कभी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, पैरेलल फ्रीक्वेंसी जो हमने यहाँ कैलकुलेट किया इससे ज़्यादा आप कर देंगे तो XCM इतनी तेज़ी के साथ ड्रॉप होगा कि आपका एक क्रिस्टल जो होगा वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है यहाँ का इतना। अब देखिए क्रिस्टल का प्रयोग इस तरीके से आपका ट्रांजिस्टर क्रिस्टल ऑसिलेटर में किया गया है। RFC है आपका, ये आपका है क्या, रेडियो फ्रीक्वेंसी चोक, ठीक है ना। ये क्या करता है, सिर्फ रेडियो फ्रीक्वेंसी को सेलेक्ट करता है। आप यहाँ देख रहे हैं 180 का फेज शिफ्ट, यहाँ से 180 का फेज शिफ्ट यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा आपको अरेंजमेंट इस तरीके से दिख रहा है। यहाँ ऑसिलेशन जो होता है इनके बीच में होता है, ऑसिलेशन यहाँ पर होता है क्रिस्टल ऑसिलेटर में। जो ट्रांजिस्टर क्रिस्टल ऑसिलेटर है, यहाँ पे क्रिस्टल पैरेलल ट्यून्ड ऑसिलेटर सर्किट की तरीके से कनेक्टेड है, ठीक है। पैरेलल ट्यून्ड ऑसिलेटर सर्किट, इसके एडवांटेज जान लीजिए कि ये, इसकी जो फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी होती है बहुत अधिक होती है और लगभग जो है हाई क्वालिटी फैक्टर इसका होता है, कि क्वालिटी फैक्टर बहुत ज़्यादा हाई होता है। मान के चलिए 10,000 टाइम्स आपका जो है फिलहाल कंपेयर टू एक LC टैंक सर्किट आपका ज़्यादा होता है, 10,000 टाइम्स, ठीक है, LC टैंक सर्किट की तुलना में। ठीक है, इसका डिसएडवांटेज भी कुछ होता है क्या, इसका सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज होता है कि कभी भी आप इसकी फ्रीक्वेंसी को बहुत जल्दी अप्रिसिएबली आप चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। जो आपका क्रिस्टल ऑसिलेटर होता है उसको आप, क्यों, क्योंकि आपको क्रिस्टल हटाना पड़ेगा, क्रिस्टल आप भाई थिकनेस बदलने के लिए आपको क्रिस्टल निकाल के उसकी थिकनेस चेंज करनी पड़ेगी ना। बाकी आपका नॉर्मल जो है, मान लीजिए एक वेरिएबल LC और RC जो ऑसिलेटर था उसमें एक रेजिस्टेंस लगा दिया, वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा दिया, या एक कैपेसिटर लगा दिया, वेरिएबल कैपेसिटर लगा दिया, उस वैल्यू को चेंज करके आप कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं। लेकिन इसको आप बिना सर्किट से इसकी थिकनेस चेंज किए आप कैसे इसका फ्रीक्वेंसी आप चेंज करेंगे, और थिकनेस चेंज करने के लिए क्रिस्टल आपको बाहर लेना पड़ेगा, है ना, उसको हटाना या आपके लिए यहाँ पे डिफ़िकल्ट होगा, मतलब आप इसको फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं कर सकते जल्दी से, ठीक। तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। जो मेन कॉन्सेप्ट था वो सब मैंने बता दिया, क्वालिटी फैक्टर आपका इसका ज़्यादा होता है। अच्छा, यहाँ पे जो हमने क्रिस्टल ऑसिलेटर जब हमने पढ़ाया उससे पहले जो हमने क्रिस्टल डिस्कस किया है वहाँ पे जो आपका C और CM है इसकी कुछ मतलब C की जो वैल्यू होती है ये 1 pF के आसपास होती है और CM की जो वैल्यू होती है ये 4 pF से 10 pF के आसपास होती है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ये 40 होता है बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 4 से 40 के आसपास पिकोफेरेड। पिकोफेरेड मतलब समझ रहे हैं ना, 10^-12 farad, पिको मतलब 10^-12। तो आपका एक पूरा ऑसिलेटर सर्किट, ऑसिलेटर चैप्टर जो है ये पूरी तरीके से आज आपका कंप्लीट है। काफ़ी कुछ इसमें हमने डिस्कस कर लिया, तो आपको हमने जो है पूरे ऑसिलेटर में कितने टाइप्स के ऑसिलेटर पढ़ाए। हमारे पास सिर्फ साइनोसॉइडल ऑसिलेटर का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, हमें मल्टी वाइब्रेटर वगैरह नहीं डिस्कस करना है तो हम उस पर नहीं जा रहे हैं, ठीक है। हमने साइनोसॉइडल ऑसिलेटर के बारे में बता दिया है पूरा, तो ये इतना आप इसको ध्यान रखेंगे। हमने यहाँ पे एक जो टेबल आपको बना रखा है ऑसिलेटर और रेंज ऑफ ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी जो है उसमें आप देखिए फेज शिफ्ट ऑसिलेटर से आप फ्रीक्वेंसी जो ऑपरेट कर सकते हैं, जो उत्पन्न कर सकते हैं 1 Hz से 10 MHz तक, वेन ब्रिज 1 Hz से 1 MHz तक,
और कॉलपिट और हार्टले ऑसिलेटर ये 10 किलो हर्ट्ज से 100 मेगा हर्ट्ज, मतलब आप 10 किलो हर्ट्ज से बिलो नहीं कर सकते। मैंने वहाँ पे बताया था पीछे ना, जब हार्टले और कॉलपिट बताया था तो इसके डिसएडवांटेज में हमने यही बताया था कि ये लो फ्रिक्वेंसी नहीं जनरेट कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? लो फ्रिक्वेंसी जनरेट करने के लिए आपको पता है कि फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला क्या था? फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला आपके पास था 1/2π√LC था ना। तो लो हाई, यहाँ पे लो फ्रिक्वेंसी जनरेट करने के लिए इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, और वैल्यू ज़्यादा करने का क्या मतलब, सर्किट बहुत बल्की हो जाएगा, भारी हो जाएगा। तो ये मैंने आपको बताया था, तो आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे ये दोनों आपके सेम इनका फ्रिक्वेंसी रेंज होता है। क्रिस्टल देखिए ये फिक्स फ्रिक्वेंसी के लिए होता है, फिक्स फ्रिक्वेंसी के लिए होता है, ऑडियो फ्रिक्वेंसी ऑपरेशन, रेडियो फ्रिक्वेंसी वगैरह में यूज़ हम लोग करते हैं, ठीक है। क्लैप ऑसिलेटर एक आपका होता है, ध्यान दीजिएगा, 10 किलो हर्ट्ज से 100 मेगा हर्ट्ज तक होता है। और निगेटिव रेजिस्टेंस, ये ऑसिलेटर जनरली आपका माइक्रोवेव वगैरह में यूज़ किया जाता है, जिसका फ्रिक्वेंसी रेंज 100 मेगा हर्ट्ज से अबव होता है, 100 मेगा हर्ट्ज से अबव होता है, ये माइक्रो फ्रिक्वेंसी रेंज में आता है जनरली। तो ये 100 माइक्रोवेव जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पे जो है इस ऑसिलेटर की बात होती है। तो हमने ये दोनों आपको नहीं बताया, फिर भी इसके फ्रिक्वेंसी रेंज यहाँ हमने मेंशन कर दिया है, बाय चांस पूछा जाए तो आप इस पे आप अपना आंसर लिख सकें, और आपको इतना तो पता ही हो फ्रिक्वेंसी रेंज क्या होता है। तो ये ऑल अबाउट जो था वो फ्रिक्वेंसी को लेकर के था, ठीक है। इसमें जो सबसे अच्छा साइन वेव जनरेटर जो होता है वो होता है आरसी ऑसिलेटर, ठीक है ना। आरसी ऑसिलेटर, आरसी ऑसिलेटर कैसी फ्रिक्वेंसी जनरेट करता है भाई, कैसा वेव शेप कैसा होता है आरसी ऑसिलेटर का? साइनोसोडल। एलसी ऑसिलेटर का कैसा होता है? स्क्वायर। और जो आपका क्रिस्टल ऑसिलेटर होता है उसका नॉर्मली ट्रायंगुलर या सॉटूथ वेव हो सकता है, जनरेटेड वेव, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा हमने जो देखा ये ऑसिलेटर के बारे में हो गया, ठीक। अगला जो हमारा लेक्चर होगा, अगला क्लास हम लोग अभी शुरू करने वाले हैं आपका FET शुरू करेंगे, FET फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है। FET पूरा हम लोग शुरू करेंगे, JFET MOSFET, ठीक, ये हमारा अगला चैप्टर होगा। तो आज इसमें इतना ही रखते हैं फिलहाल आज के लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू।